हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स चलिए इसमें फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का प्रॉब्लम सेट और इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18 तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या लिखा है कि गिवन ए बी ऐसा दो पॉइंट दिया है कॉर्डिनेट के साथ में आपको बोला कि फाइन द को ऑफ द ऑफ द पॉइंट दैट सेगमेंट ए बी इन द रेशियो थ्री आप को ये पॉइंट ज्वाइन करना है और उसके अंदर एक ऐसा पॉइंट है जिसका नाम नहीं दिया है लेकिन वो पॉइंट क्या कर रहा है ए बी को थ्री टू वन में डिवाइड कर रहा है ये क्वेश्चन कोई भी अलग क्वेश्चन नहीं है ये ऐसे आ, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है प्रैक्टिस तो ये वही क्वेश्चन है लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एंड दिस इन द रेशियो टू का मतलब यहाँ पे दिया नहीं जो आपको और ये भी सेम क्वेश्चन है यहाँ पे P और Q सेगमेंट है जैसा यहाँ पे A और B है A और B है यहाँ पे P और Q सेगमेंट है और इसमें एक ऐसा पॉइंट है जिस है, जिसने इसको डिवाइड किया है यहाँ पे A डिवाइड कर रहा है यहाँ पे दिया है तो यहाँ पे ए बी को P डिवाइड कर रहा है यहाँ पे ए बी को P डिवाइड कर रहा है और यहाँ पे पी क्यू को ए डिवाइड कर रहा है ये क्वेश्चन अगर आपने किया है तो मैं जो बोल रहा हूँ ये आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा और अगर आपने नहीं किया है तो आप ये वीडियो जरूर देखिए प्रैक्टिस सेट टू का फिर आपको समझेगा तो इन टाइप के या मतलब इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हमने सेक्शन फार्मूला यूज किया था जब P का x कोऑर्डिनेट चाहिए रहता है तो ये फार्मूला यूज किया था और जो सेगमेंट डिवाइड कर रहा है उसका वाई कोऑर्डिनेट अगर आपको चाहिए तो आपने ये फार्मूला यूज किया था बस यही दो फार्मूला यूज करना है और फिर से आपको सॉल्व करना है डायग्राम नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा तो चलिए शुरू करते हैं तो लिखते हैं सॉल्यूशन में कि एजूम करेंगे कि पी जो है एक्स को वाई रहेगा बी द पॉइंट विच डिवाइड सेगमेंट ए बी इन द रेशियो थ्री टू वन तो जो सेगमेंट ए बी है अगर ऐसा बताया जाए तो अगर ए बी है तो पी जो डिवाइड कर रहा है कहीं पे भी उसका कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई है ऐसा जूम किया जा रहा है यहाँ पे तो ये आपको मालूम है और थ्री टू वन में डिवाइड कर रहा है ये तीन पार्ट रहेगा ये वन पार्ट रहेगा ये रफ डायग्राम है स्टूडेंट्स ये तो इक्वल पार्ट लग रहा है बराबर बराबर ऐसा नहीं रहेगा यहाँ पे ज्यादा तीन पार्ट रहेगा यहाँ पे वन पार्ट रहेगा पी यहाँ पे होना चाहिए कहीं पर फिर ए का अकॉर्डेंट आपको दिया है बी का अकॉर्डेंट आपको दिया है एक्स वन वाई वन इसको जूम करना है एक्स टू वाई टू इसको जूम करना है तो ये रफ डायग्राम इसी मैंने बनाया आपको बनाना है तो बना सकते हो नहीं तो नहीं भी बनाओगे चलेगा तो फिर चलिए आगे जूम करते हैं कि ए फोर कॉमा माइनस थ्री जो है वो एक्स वन वाई वन रहेगा बी एट कॉमा फाइव जो है वो एक्स टू वाई टू रहेगा और पी को आपने एक्स वन वाई वन समझा है और एम इस टू एन वो आपको थ्री टू वन मिलेगा क्योंकि यहाँ पे रेशियो दिया है यहां पे लिखेंगे कि पी एक्स कॉमा वाई जो है ये ऑलरेडी यहाँ पे भी लिखा है और एम एस टू एन जो है वो आपको मिलता है थ्री टू वन तो बस आपको बाई सेक्शन फार्मूला यूज करना है और सॉल्व करना है तो हम यहां पे लिखते हैं कि बाई सेक्शन फार्मूला और फिर x का जो p का जो डिवीजन पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट निकालेंगे और फार्मूला लिखेंगे एक्स विच इज इक्ल टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन और y के लिए लिखेंगे एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन फिर वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे तो आपको ये मिलेगा मैं आपको बता रहा हूँ एम एम आपने देखा है एम एस टू एन अगर थ्री एस टू वन है तो एम करस्पॉन्ड कर रहा है थ्री को तो एम के प्लेस पे थ्री लिखेंगे एक्स टू ये है जो एट लिखेंगे तो थ्री इंटू एट है फिर प्लस है प्लस लिखा एन एन इसको करस्पॉन्ड कर रहा है तो एन वन रहेगा इंटू एक्स वन है एक्स वन आप यहां पे देख रहे हो फोर है तो इंटू फोर क्या है अपॉन अपॉन एम प्लस एन है सॉरी M plus N मतलब plus 1, तो एम प्लस एन मतलब थ्री प्लस वन तो यहाँ पे लिखा थ्री प्लस वन सेम यहां पे भी है वाई कोऑर्डिनेट पाने के लिए एम वाई टू है एम फिर से आपका थ्री रहेगा एन वन है तो एम के प्लेस पे थ्री लिखा है वाई टू के प्लेस पे हमने लिखा है फाइव तो थ्री इंटू फाइव फिर प्लस एन इंटू वाई वन एन वन है तो वन इंटू वाई वन अगर आप देख रहे हो तो यहां पे माइनस थ्री है तो यहां पे माइनस थ्री फिर एम प्लस एन के जगह पे वापस से थ्री प्लस वन आएगा अब यहां पे अगर आप सॉल्व करते हो तो पहले मल्टीप्लीकेशन सॉल्व करना पड़ेगा फिर आपको प्लस सॉल्व करना पड़ेगा अगर एट प्लस वन आप पहले सॉल्व करोगे तो रॉन्ग हो जाएगा स्टूडेंट्स सेम यहाँ पे भी ये मल्टीप्लिकेशन पहले सॉल्व करेंगे उसके बाद प्लस सॉल्व करेंगे तो थ्री एट ट्वेंटी फोर फोर जो ट्वेंटी फोर प्लस फोर आप देखोगे तो ट्वेंटी एट आएगा और यहाँ पे थ्री प्लस वन फोर मिल जाएगा थ्री फाइव फिफ्टीन प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा ट्वेल्व दे देगा और थ्री प्लस वन आपको दे देगा फोर तो यहाँ पे हम ऐसा लिखते हैं थ्री एट ट्वेंटी फोर प्लस वन फोर जो अपन थ्री प्लस वन फोर थ्री फाइव फिफ्टीन प्लस इंटू माइनस माइनस वन थ्री जॉ थ्री अपॉन थ्री प्लस वन फोर ट्वेंटी फोर प्लस फोर आपको देगा ट्वेंटी एट अपॉन फोर और फिफ्टीन माइनस थ्री आपको दे देगा ट्वेल्व अपॉन फोर तो यहाँ पर लिखते हैं ट्वेंटी एट फोर और यहाँ पर लिखते हैं ट्वेल्व अपॉन फोर कैंसिल करेंगे तो आपको मिलेगा फोर सेवन जॉ ट्वेंटी एट और यहाँ पर आपको मिलेगा फोर थ्री जॉ ट्वेल्व तो x का जो वैल्यू है वो आपको मिल जाता है सेवन और y का जो वैल्यू है आपको मिल जाता है थ्री आप लिखेंगे एक्स इज सेवन एंड वाई इज थ्री और फाइनली हम लिख देंगे कि देर फोर पी जो डिवाइड कर रहा है इसको वो सेवन कॉमा थ्री रहेगा उसका कॉर्डनेट जो ए बी को थ्री टू वन में डिवाइड कर रहा है एकदम सिंपल क्वेश्चन था ये स्टूडेंट सिर्फ रिविजन के लिए आपके आपको मिला है प्रॉब्लम सेट में चलिए इसके आगे एटीन क्वेश्चन देखते हैं लास्ट क्वेश्चन तो एटीन क्वेश्चन क्या है कि द देखिए स्टार अगर आप समझना चाहते हो तो थोड़ा एक्स्ट्रा माइंड आपको यूज करना पड़ता है और कुछ भी नहीं है और यहाँ पे ये जो सम्स है इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा माइंड की जरूरत भी नहीं है क्या लिखा देखिए कि फाइंड द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इफ पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर ज्वाइन सीरियली अगर ये पॉइंट को सीरियली ज्वाइन किया जाए तो जो क्वाड्रेटल बनेगा वो कौन से टाइप का क्वाड्रेटल बनेगा आपका ये क्वेश्चन है यहाँ पे सिर्फ इन्होंने क्या नहीं दिया है जैसा हमने पीछे के क्वेश्चन में किया था यहाँ पे इन्होंने ये नहीं बोला है कि प्रूव करें कि ये जो एक एक दो तीन चार ये पैरलोग्राम के वट है या ऐसा नहीं बोला कि ये चारों रेक्टेंगल के वट है या ऐसा भी नहीं बोला कि ये चारों स्क्वायर के वट है या ऐसा भी नहीं बोला कि ये रोम्बस के वट है क्योंकि अगर आपने प्रॉब्लम सेट किया है और प्रैक्टिस सेट किया है तो हमने ऐसे सम्स ऑलरेडी प्रॉब्लम सेट में सॉल्व कर लिए कि हमको क्वेश्चन दिया था जहां पर हमको पैरोग्राम के वट प्रूव करना था रेक्टेंगल के प्रूव करना था स्क्वायर के प्रूव करना था और रोम्बस स्क्वायर का प्रीवियस फॉर्म है ऐसा समझिए तो यहाँ पे ये बोला कि इन चारों पॉइंट को अगर हम लाइन से सीरियली अगर हम ज्वाइन करेंगे तो जो कॉर्डल बनेगा वो किस टाइप का रहेगा क्या वो पेरोग्राम रहेगा क्या वो रेक्टेंगल रहेगा क्या वो रोमबस रहेगा क्या वो स्क्वायर रहेगा ये आपको हमको बताना है तो हम लोग को करना क्या पड़ेगा स्टूडेंट्स अगर पेरोग्राम है ये तो आपको सिर्फ इतना बताना है कि ये देखिए आपको डिस्टेंस टोटल कितना फाइंड आउट करना है आपके पास ए है बी है सी है और डी है तो आपको ए बी का डिस्टेंस निकालना है बी सी का निकालना है सी डी का निकालना है और डी ए का या ए डी का निकालना है चार डिस्टेंस अगर आप निकालते हो और दो दो डिस्टेंस अगर इक्वल हो रहा है दो डिस्टेंस इक्वल हो रहा है तो वो पैराोग्राम बनेगा लेकिन अगर दो डिस्टेंस देखिए दो डिस्टेंस अगर इक्वल होता तो पैरोोग्राम है तो दो डिस्टेंस यहां पर भी इक्वल है स्टूडेंट्स ये इसके इक्वल में है ये इसके इक्वल में है तो ये रेक्टेंगल है तो जब आप चार ही डिस्टेंस निकालोगे ए बी बी सी सी डी और ए डी तो वो पैराग्राम हो सकता है अगर दो दो डिस्टेंस इक्वल मिला लेकिन अगर वो रेक्टेंगल होगा तो आपको कैसा पता चलेगा तो आपको दो डायगनल का जो डिस्टेंस है वो भी निकालना पड़ेगा ये ऑलरेडी पहले के सम्स में हो गया स्टूडेंट्स तो ये दोनों डायगनल जब आप और निकालोगे मतलब आप ए बी निकालिए डिस्टेंस बी सी निकालिए सी डी निकालिए फिर ए डी निकालिए फिर ए सी निकालिए और बी डी निकालिए मैं जो भी चीज़ बोल रहा हूँ कोई चीज़ ऐसा नहीं बोल रहा जो मैंने नहीं सिखाया स्टूडेंट्स इसके पहले वाले वीडियो में ऐसे जो सम्स है उसमें आप देखोगे तो आपको समझेगा डायरेक्टली इस क्वेश्चन में आओगे तो आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि नहीं समझ में आ रहा है लेकिन पहले ये सब हो चुका है इसके लिए वहां पर अच्छे से समझाया मैंने तो फाइनली मैं बस इतना बोलना चाहता हूँ कि आपको चार नहीं छह डिस्टेंस निकालना है आपको ए बी आपको ए बी निकालना है फर्स्ट सेकेंड आपको सेकेंड और थर्ड बी सी निकालना है आपको थर्ड और फोर्थ CD निकालना है और आपको फर्स्ट और लास्ट ए डी निकालना है और उसके बाद आपको क्या करना है ए सी फर्स्ट और थर्ड आपको वो निकालना है और फिर बी डी बी डी सेकेंड और फोर्थ आपको निकालना है जब ये चार छः डिस्टेंस आप निकालोगे तो हो सकता है कि अब देखिए अगर वो रोमबस होने का होगा तो चार के चारों इक्वल मिलेंगे और ये दोनों अनइक्वल मिलेंगे क्योंकि रोमबस के जो डाइग्नल होते हैं वो इक्वल नहीं होते और अगर वो स्क्वायर होने वाला होगा तो चारों डिस्टेंस इक्वल मिलेंगे और ये दोनों भी इक्वल मिलेंगे आपस में इसके आप इससे इक्वल में नहीं रहेंगे लेकिन आपस में इक्वल रहेंगे अगर वो रेक्टेंगल होने का है तो दो दो इक्वल मिलेंगे दो दो साइड इक्वल मिलेंगे चारों इक्वल नहीं मिलेंगे दो दो साइड इक्वल मिलेंगे और रेक्टेंगल का सॉरी डायगनल का लेंथ जो रहेगा वो भी इक्वल मिलेगा और अगर वो पैरोग्राम का है तो दो दो, दो डिस्टेंस इक्वल मिलेंगे तो यहाँ पे और तो ये दोनों दो अनइक्वल मिलेंगे क्योंकि पैरोग्राम के डायगनल इक्वल नहीं होते एक जनरल पैरोग्राम तो चलिए छह डिस्टेंस हमको फाइंड आउट करना है शुरू करते हैं तो लिखते हैं सॉल्यूशन में और ए माइनस फोर कोमा टू है बी माइनस थ्री कोमा सेवन है सी थ्री को माइनस टू है और डी जो है वो टू कोमा थ्री है ये दिया हुआ पॉइंट है तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया अब बाय डिस्टेंस फार्मूला और आ, मतलब शुरू करेंगे अब ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे तो ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूला आपको मालूम है इसमें से इसको माइनस करेंगे द होल स्क्वायर यहाँ पे है माइनस सेवन में से माइनस करेंगे माइनस टू को द होल स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस थ्री प्लस फोर द होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस सेवन प्लस टू द होल स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस थ्री प्लस फोर द होल स्क्वायर माइनस सेवन प्लस टू द होल स्क्वायर माइनस और प्लस माइनस होएगा तो फोर में से थ्री माइनस किया तो वन आएगा तो वन का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस होएगा तो सेवन में से टू माइनस करेंगे तो फाइव आएगा तो माइनस फाइव का स्क्वायर तो यहाँ पर हम लिखेंगे वन का स्क्वायर और यहाँ पे लिखेंगे माइनस फाइव का स्क्वायर

डायरेक्टली अब हर बार आप डिस्टेंस फॉर्मुला डिस्टेंस फॉर्मुला लिखोगे ऐसा कुछ नहीं स्टूडेंट्स आप डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हो तो बीसी क्योंकि लेंदी ऐसा किया जा सकता है तो बीसी के लिए थ्री माइनस माइनस थ्री द होल स्क् और माइनस टू माइनस माइनस सेवन द होल स्क् माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस टू प्लस सेवन द होल स्क्वायेर यहां पर लिखेंगे थ्री प्लस थ्री देखिए यहां पर डायरेक्टली सॉल्व हुआ है तो माइनस और माइनस प्लस हो गया थ्री प्लस थ्री सिक्स होगा सिक्स का स्क्वायर और माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस सेवन और माइनस टू तो माइनस और प्लस माइनस होएगा तो प्लस सेवन में से माइनस टू करेंगे तो प्लस फाइव आएगा तो प्लस फाइव का स्क्वायर सिक्स का स्क्वायर थर्टी सिक्स मिल जाएगा फाइव का स्क्वायर आपको ट्वेंटी फाइव मिल जाएगा तो थर्टी सिक्स प्लस ट्वेंटी फाइव अगर इसको ऐड करेंगे तो आपको मिलता है सिक्सटी वन और सिक्सटी वन का स्क्वायर रूट नहीं है इसके लिए इसको सिक्सटी वन के अंदर इसको उसी तरह लिख दिया है ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया तो ए बी हमने फाइंड आउट किया बी सी हमने फाइंड आउट किया अब सी डी फाइंड आउट करेंगे फिर उसके बाद ए डी फाइंड आउट करेंगे फिर ए सी चलिए मैं बता देता हूँ बी सी हो गया सी डी आउट करेंगे उसके बाद देखेंगे। तो सी डी के लिए फॉर्मूला क्या जाएगा सी डी के लिए टू माइनस थ्री द होल स्क्वायर थ्री माइनस टू द होल स्क्वायर, जो यहां पे दिख रहा है टू माइनस थ्री आपको माइनस वन का स्क्वायर देगा थ्री माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो थ्री प्लस टू फाइव का स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ हम लिखेंगे माइनस वन का स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे फाइव का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर वन हो जाएगा और फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव हो जाएगा तो वन प्लस ट्वेंटी फाइव और वो मिला आपको ट्वेंटी सिक्स आपने थ्री कर दिया तो यहां पे अगर आप देखोगे तो देखिए ए बी का डिस्टेंस रूट ट्वेंटी सिक्स है और सी डी का डिस्टेंस भी रूट ट्वेंटी सिक्स मिल गया है तो दो डिस्टेंस तो साइड में सेम मिला है अब आपको ए डी तो फाइंड आउट करना है फर्स्ट और लास्ट वाला तो चलिए ए डी का डिस्टेंस निकालेंगे तो ए डी है तो टू माइनस माइनस फोर द होल स्क्वायर और थ्री माइनस माइनस टू द होल स्क्वायर तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा टू प्लस फोर सिक्स का स्क्वायर हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा थ्री प्लस टू फाइव का स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सिक्स का स्क्वायर प्लस फाइव का स्क्वायर सिक्स का स्क्वायर आपको थर्टी सिक्स मिलेगा फाइव का स्क्वायर आपको ट्वेंटी फाइव मिला है दोनों को प्लस करेंगे तो सिक्सटी वन मिलेगा ये है इक्वेशन नंबर फोर तो चार वैल्यू आपको मिल गया है अब इतने पे बोलने से पहले आप आगे के जो दो वैल्यू वो भी निकाल लीजिए स्टूडेंट्स कि अब हम यहाँ पे पैरोग्राम प्रूव करेंगे फिर ऐसा नहीं करेंगे अब आप ए सी भी निकालिए और देखिए मैं यहां पे लिख के बता रहा हूं ए बी सी डी है तो आपने पहले ए बी का डिस्टेंस निकाला बी सी का निकाला सी डी का निकाला और ये वाला जो है वो आपने ए डी का निकाला अब आपको क्या करना है ए सी फाइंड आउट करना है और बी डी फाइंड आउट करना है तो यहां ए सी का डिस्टेंस निकालेंगे अभी ए सी का डायगनल यहाँ पे ए सी का, का, तो का फॉर्मूला क्या रहेगा ए और सी है तो थ्री माइनस माइनस फोर द होल स्क्वायर और माइनस टू माइनस माइनस टू द होल स्क्वायर तो ये वही चीज यहां पे लिखा है माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो थ्री प्लस फोर द होल स्क्वायर सेवन का स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस टू प्लस टू जीरो का स्क्वायर हो जाएगा तो आप देखोगे तो थ्री प्लस फोर द होल स्क्वायर और माइनस टू प्लस टू द होल स्क्वायर हो रहा है थ्री प्लस फोर सेवन हो जाएगा और ये जीरो हो जाएगा तो सेवन का स्क्वायर प्लस जीरो स्क्वायर जीरो का स्क्वायर चला जाएगा सेवन का स्क्वायर आपको रूट फोर्टी नाइन मिलेगा और रूट फोर्टी नाइन का स्क्वायर रूट है सेवन तो आपको इसका आंसर मिलता है सेवन तो ए सी आपको मिल गया है सेवन अब आपको क्या करना है बी डी फाइंड आउट करना है तो चलिए यहां पे बी डी फाइंड आउट करेंगे तो बी डी यहां पे डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं तो बी डी के लिए क्या रहेगा बी और डी है तो टू माइनस माइनस थ्री द होल स्क्वायर थ्री माइनस माइनस सेवन द होल स्क्वायर तो टू माइनस माइनस थ्री द होल स्क्वायर थ्री माइनस माइनस सेवन द होल स्क्वायर तो यहां पे भी माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो टू प्लस थ्री द होल स्क्वायर फाइव का स्क्वायर हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस होगा तो थ्री प्लस सेवन द होल स्क्वायर टेन का स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ पे हम देखेंगे तो फाइव का स्क्वायर प्लस टेन का स्क्वायर रहेगा फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव मिलेगा और टेन का स्क्वायर आपको हंड्रेड मिलेगा तो 25 फाइव प्लस हंड्रेड आपको देगा 125 125 को अगर आप सिंपल सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिल जाएगा फाइव रूट फाइव इसको आप सिंप्लीफाई करके चेक कर लेना स्टूडेंट्स तो अब तक हमारे पास टोटल छह डिस्टेंस जो है हमने फाइंड आउट किया है अब हमको कंपेयर करना है तो चलिए वो छह डिस्टेंस आपको एक जगह पर दिखा दे रहा हूं तो ये डिस्टेंस है जो हमने पीछे फाइंड आउट किया है इक्वेशन नंबर के साथ तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ए बी आपको रूट ट्वेंटी सिक्स मिला है और सी डी भी आपको रूट ट्वेंटी सिक्स मिला है तो वन से और थ्री से आप क्या बोलोगे कि ए बी और सी डी इक्वल है लेकिन बी सी और ए डी भी इक्वल है रूट सिक्सटी वन रूट सिक्सटी वन टू से और फोर से और डाइग्नल जो है क्योंकि लास्ट में डायगनल था ए सी और बी डी ये अनईक्वल है मतलब साइड अपोजिट वाले इक्वल है और डायगनल अनईक्वल है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इन क्वारलेटल ए बी सी डी जो हमारा क्वेश्चन था उसमें ये चीज़ आपको मिल रहा है कि एक साइड ए बी जो है वो सी डी के इक्वल में है वन और थ्री से मिल रहा है वन और थ्री से दोनों रूट ट्वेंटी सिक्स है ए बी और सी डी और बी सी और ए डी इक्वल है बी सी और ए डी इक्वल है टू और फोर से आपको मिल रहा है दोनों रूट सिक्सटी वन है तो अपोजिट साइड मतलब अगर क्वारेटर आप ऐसा समझ रहे हो ऐसा तो ए बी सी डी में से ए बी जो है ये सी डी के इक्वल में है और बी सी जो है बी सी जो है वो ए डी के इक्वल में है तो अपोजिट साइड क्या हो गया इक्वल हो गया जिससे ये पैरोग्राम हो जाता है लेकिन अगर ये दोनों भी इक्वल होते थे क्योंकि ए का जो लेंथ है वो आपको सेवन मिला है और बी का जो लेंथ है वो आपको फाइव रूट फाइव मिला है तो ये दोनों अन एकवल है तो ये दोनों अगर इक्वल होते थे स्टूडेंट्स अगर ये और ये भी इक्वल हो जाते थे तब तो ये रेक्टेंगल बन जाता था और अगर चारों इक्वल हुए रहते तब स्क्वायर का नंबर और रोमबर्स का नंबर आता था तो ये दोनों अन इक्वल होने की वजह से ये सीधा सीधा क्या बन गया पैरोग्राम बन गया अगर ये दोनों इक्वल होता तो यही कंडीशन के बाद वो रेक्टेंगल बन जाता था और फिर मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आपने सारे क्वेश्चन देखा है प्रॉब्लम सेट के तो जो भी मैं बता रहा हूं ये सब पहले से हो चुका है आपको सब समझ में आ जाएगा तो चलिए हम फाइनली सिर्फ इतना बता देंगे कि क्वाड्रेटल इज पैरोग्राम और एक रीजन देंगे कि ए क्वाड्रेटल इज पैरोग्राम इफ इट्स अपोजिट साइड्स आर और फिर फाइनली हम बोल देंगे कि पॉइंट ए बी सी और डी जो आपने दिया है ये फॉर्म करता है एक पेरलोग्राम तो चलिए यहां पे ये वाला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हो रहा है आगे जो और क्वेश्चन बचे हैं उसके भी वीडियो आपको मिल जाएंगे चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में थैंक यू वेरी मच